हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्नेहा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सी किचन टिप्स लाई हूँ। आप सभी सोचते होंगे फ्रेंड, काश मुझे अच्छी सी समर किचन टिप्स मिल जाए जिससे मैं हेल्दी रह सकूँ और ढेर सारे पैसे भी बचाऊँ और हमारा काम करना भी इस गर्मी के किचन में आसान हो। चलिए, पहली हमारी किचन टिप्स है डीप टॉक्स वाटर को। फ्रेंड, अगर आपके पास फ्रेश वाटर ना हो, फ्रूट्स हैं आपके पास, लेमन है, पुदीना, मिंट है, और अगर धनिया भी है तो आप डाल सकते हैं। ड्राई धनिया डाल लीजिए, नहीं तो फ्रेश धनिया डाल लीजिए। मैं शुगर पेशेंट हूँ इसलिए फ्रेंड थोड़ा सा मैंने डाला है बीटरूट। आप कैरेट यूज़ कीजिए, कोई भी स्वीट चीज़ें यूज़ कीजिए। इसे ढककर रख दीजिए तो एक डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार होगा। अगर आप ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं और आपको पेट और कब्जियत की समस्या है, गर्मी में ठंड आपको देगा ये डिटॉक्स वाटर, तो चलिए दूसरा डिटॉक्स वाटर भी बना लेते हैं। ये फ्रेश पानी है और उसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी थी और फिर से सौंफ डाल दे रहे हैं। सौंफ डाल कर ढक देंगे फ्रेंड थोड़ा सा हिलाकर, तो जो पानी है उसका स्वाद भी बदल जाएगा। गर्मी में बहुत लोग पानी नहीं पीना चाहते हैं, एसी वगैरह में रहते हैं, तो फिर इस तरह से बनाकर पानी पिए। टिप्स दूसरी है फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को चाय पीना पसंद है और वो सोचते हैं कि इस गर्मी में हमें चाय मसाला तैयार ना करना पड़े, तो आपके लिए बहुत ही आसान सी किचन टिप्स लेकर आई हूँ। आप थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए, थोड़ा सा ड्राई आप गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, हो तो देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ सुखा कर रख लीजिए, थोड़ा सा जिंजर भी क्रश करके सुखा के रख लीजिए, उसे भी डाल दीजिए। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, हम सभी को गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो मॉर्निंग में एक बड़ा जग पानी गर्म कर लीजिए फ्रेंड्स, उसे थोड़ा सा पीने वाले पानी में डाल दीजिए, नींबू के साथ या डिटॉक्स ड्रिंक के साथ पीजिए, और मॉर्निंग में आप फ्रेश होंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, पूरा पेट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह का फ्लास्क हो तो फ्रेंड फ्लास्क में आप भर कर रख लीजिए, जब भी खाना अपना बनाने जाएं, चाय बनाने जाएं, या कोई भी कुकिंग राइस दाल, हर चीज़ों के लिए ये गर्म पानी आपका काम करेगा। सब्जी बना रहे हैं तो जहाँ ठंडा पानी डालना हो वहाँ गर्म डाल दीजिए, तो आपका कुछ कुकिंग टाइम बच जाएगी जिसका आप प्रयोग कहीं और भी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक देखिए, मैंने बातों ही बातों में पानी भी भर दिया और भर के इसे साइड कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अब इसी में हम चाय बनाएंगे। चाय पत्ती, चाय प्रेमिक्स, थोड़ा सा दूध डाल लिए, शुगर आप डालना चाहते हैं तो शुगर डाल दीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से थोड़ी ही देर में चाय बनकर तैयार हो जाएगी। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, हम इस तरह के जग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पानी गर्म करने के लिए, तो आज हम चलिए इसमें पानी गर्म करने की बजाय थोड़ी सी पालक उबाल लेते हैं और पालक का सूप तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक और चीनी हमने पानी के अंदर डाल दिया फ्रेंड्स, उसके बाद धुली हुई कटी हुई पालक डाल देंगे। मैंने पालक काट लिया था, अगर आप काटे ना हो तो डायरेक्ट भी डालकर बॉयल कर सकते हैं, अगर पनीर के लिए आपको बनाना है। मैं थोड़ा सा सोच रही थी पराठे वगैरह बनाने को, पहले तो साग बनाने जा रही थी, तो इस तरह से पानी हमारा बॉयल हो गया फ्रेंड और इसमें साग भी बॉयल हो गया। अब इस फ्रेश पानी को हम अपने किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। अभी मैंने कप में नहीं डाला है, थोड़ा सा मसाले वगैरह आप चाहें भुना जीरा वगैरह डाल सकते हैं और काली मिर्च, और ये टेस्टी सा पानी तैयार हो जाएगा। यानी आपके लिए, अगर आयरन की कमी हो आपकी बॉडी में या वीकनेस लगती हो और विटामिन्स मिनरल्स वगैरह की शॉर्टेज हो तो आप इस तरह से, या कैल्शियम की कमी हो तो इस तरह से पालक का यूज़ करके उसका सूप बनाकर पी सकते हैं। वैसे सूप बनाना कठिन लगता हो तो इस तरह से पालक को कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें चाहें तो साग बना लीजिए, कोई सब्ज़ी बना लीजिए, पराठे बना लीजिए, बहुत सा ऑप्शन आपके पास बचता है।
अब ये इस तरह से जग मैंने धो लिया था फ्रेंड्स, तो जग धुलने के कारण थोड़ा इसके अंदर निकल आया पालक, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल सकते थे, वही पानी डाले। अगले किचन टिप्स है फ्रेंड, आज हम आपको गर्मियों के लिए वेट लॉस रेसिपी बताते हैं। इसके लिए बगीचे में चलते हैं, मेरे बगीचे में पालक तैयार है फ्रेंड्स, और बहुत सारा पुदीना और धनिया है, उसे ले आते हैं। और इस रेसिपी में मैं ऐड करूंगी ड्राई कसूरी मेथी, पर आपको अपने बगीचे की कसूरी, चलिए चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐड कर दी है इसकी क्लिप, आप देख रहे हैं फूल लगा हुआ है, पर इस साल मैंने बीज इसके निकाल लिए हैं, बीज बड़े मुश्किल से मिलते हैं फ्रेंड्स, और फिर भी लालच आ गई थी, फूल लगा था तब भी हमने तोड़ ही लिया इसका, इस रेसिपी को बनाने के लिए। और आप चाहें तो ड्राई भी डाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मिक्स दालों को भिगो दिया था, भिगो के पीस लिया, पीसते समय ही हमने ड्राई कसूरी मेथी डाले, सौंफ डाला, जीरा डाला, मिर्च डाला, नमक डाले, और भी जो चीज़ें ऐड करनी, थोड़ा गरम मसाला वगैरह, ताकि हमें अलग से मिक्स ना करना पड़े। अदरक डाल दीजिए, लहसुन हो तो लहसुन डाल दीजिए, मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। मिक्स दालों में फ्रेंड राजमा है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, सारी चीज़ें हैं। इनमें मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होते हैं, हर तरह की प्रोटीन आपको मिल जाती है। सिंपल अरहर की दाल अगर आप यूज़ करते हैं तो इतना प्रोटीन नहीं मिलता है। बच्चों को इस तरह का टेस्टी सी रेसिपी बनाकर खिलाइए। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर ढेर सारा तिल डाला है, छिलके वाली तिल का प्रयोग कीजिए। और ये देखिए सब्जियां सारी काट दिया है। थोड़ी सी हमारे बगीचे में फ्रेंड प्याज का साग भी था, मैंने प्याज लगा रखी थी, और सारी चीजों को हम अच्छे से काट लेंगे। काटने के बाद फिर इसी में मिलाएंगे। फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ क्या आप बनाएंगे तो आपके बच्चे नहीं खाएंगे, ज़रूर खाएंगे फ्रेंड, एक बार ट्राई करके तो देखिए। ये रेसिपी टोटल वेट लॉस रेसिपी है, और जो लोग वेट लॉस करना पसंद करते हैं वो इस रेसिपी को आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब दाल को थोड़ा सा फेंट लीजिए, फेंटने के बाद, क्योंकि दाल बहुत पानी डाल के हमने नहीं पीसा था, बिना पानी डाले पीसा था, और ये बगीचे से तुरंत ही सब्जी लाने के कारण पहले धुल नहीं पाए, अगर धुल देते तो काट नहीं पाते फ्रेंड्स, इसे फौरन धुला है हमने और धुल के इस तरह से काट दिया है। काटने के बाद इसे आप अपने टाइट हाथों से थोड़ा मिक्स कीजिए, ताकि पत्ते आसानी से जल्दी से मैश हो जाए। नमक डालने के कारण पत्ते अच्छे से सॉफ्ट पत्ते हैं, ऑर्गेनिक, तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। आप इसे गोल गोल बना लीजिए, इडली के स्टैंड में बनाइए, चाहे इडली के स्टैंड की जाली में, या प्लेट रख के, या मुठिया, जैसे मुठिया मेथी की बनती है। ये सारा पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इसे हम अपने पौधों में डाल देंगे। जैसे सब्जी वगैरह हम खाते हैं तो इनका पानी या इनकी वेस्ट चीज़ें इन्हें ही दे दिया जाए फेंकने के बजाय, तो इन्हें खाद के रूप में मिलेंगी और ये पौधे काफ़ी अच्छे से बड़े हो जाएंगे। इंडोर प्लांट है फ्रेंड, इसे बरामदे में निकाल कर अभी हमने रखा है, तो इसी के अंदर गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर हम लीव्स वगैरह भी डाल देते हैं, ताकि इसका पानी जल्दी से ख़त्म ना हो और हमारा पेड़ पौधा ठीक ठाक रहे। देखिए एक अजवाइन का नया रीप्लांट कराया है हमने, और उसे वो भी पौधा जिंदा हो गया। और इस तरह से सारे पौधों को हम थोड़ा थोड़ा इसका पानी दे देंगे, ताकि पानी स्वस्थ रहे। आप चावल दाल वगैरह भी धुलते हैं तो अपने पानी को वेस्ट मत कीजिए, पानी बचाइए फ्रेंड्स, और इस तरह से अपने पौधों में डाल दीजिए, ताकि आप अपने अच्छे से हार्वेस्टिंग कर सकें किसी भी सब्जी की। तो इडली स्टैंड में पानी हमने रख दिया था गर्म होने के, और इस तरह से स्टीमर लगा देंगे फ्रेंड। स्टीमर लगाने के बाद ढक देंगे, और इसे 10 से 15 मिनट मैं रखूंगी,
दूसरी रेसिपी आपको बताऊंगी कि इसे आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। जिसके लिए आप पे स्टैंड लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल लगाइए और इसके गोल गोल राउंडर सब डाल दीजिए। बहुत ही करारे टेस्टी से पकोड़े बनकर तैयार होंगे फ्रेंड। अक्सर आप जब भी यूज़ किया कीजिए तो कास्ट आयरन के पैन यूज़ कीजिए, इसमें स्लो कुकिंग होती है और आपको कभी शॉर्टेज नहीं होगी ब्लड की। आयरन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा आपके खाने में चला जाता है, तो एक बार तो ट्राई करके देखिए फ्रेंड। लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई, कास्ट आयरन की कढ़ाई, इस तरह से बातों ही बातों में देखिए मेरी ये रेसिपी तैयार हो गई फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को पसंद आएगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो पास्ते के तरह भी इसे बना सकते हैं या आप इस तरह से प्लेन चटनी के साथ खा सकते। अगली किचन टिप्स भी लेकर हेल्दी रेसिपी को है फ्रेंड। ये अंकुरित मूंग और अंकुरित रागी की रेसिपी है। फर्मेंट होने के लिए मैंने बड़े से भगोने में रखा था और अब इसका यूज़ कर लिया, तो फर्मेंटेशन के बाद बड़े भगोने को हमने खाली किया। इसके टेस्टी से अप्पे बना रहे हैं और दूसरी तरफ इडली, सेम इसी तरह से रेसिपी बना रहे हैं, एक थोड़ी सी ऑयली और एक भाप वाली। फ्रेंड अगर आप अप्पे पैन में या इडली बनाते समय इडली स्टैंड में मक्खन या घी का इस्तेमाल करेंगे तो रेसिपी का स्वाद और अच्छा बनेगा और आपके बर्तन से जो है अप्पे या इडली आसानी से छूट जाएगी। ये चीज़ मुझे एक साउथ इंडियन ने बताया था जो मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड्स। इस तरह से आप तुरंत कच्चे में इसे ना निकालिए, इसे ढक कर रख दीजिए फ्रेंड्स। कुछ लोग कच्चे में निकाल लेते हैं और ये फर्मेंटेड है तो सूजी वाला तो जल्दी से पक जाता है। फर्मेंटेड मूंग दाल और अंकुरित ही हमारी रागी थी उसका बना हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड, हमारे गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। देखिए कितना सॉफ्ट, ये नेचुरली फर्मेंटेड फूड है फ्रेंड। इसमें ना तो मैंने इनो यूज़ किया, ना सूजी, ना सोडा। फ्रेंड बहुत हेल्दी होता है अगर आप अपने नाश्ते में इनो, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ ना करें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं फ्रेंड्स तो कतई मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे शुगर आपका इम्प्रूव हो सकता है। बातों ही बातों में मैंने आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सी किचन टिप्स बनाई हूँ फ्रेंड्स। अगर रेसिपीज ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चटनी मैंने बना दी थी ड्राई कोकोनट की, छिलके सहित एक बार लहसुन डालकर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस तरह से चटनी में अगर ड्राई आप डाल दीजिए रोस्टेड जीरा और फिर थोड़े करी पत्ते और बिना तड़का दिए इस तरह की चटनी को एंजॉय कीजिए। गर्मियों में जितना हो सके आप तेल या घी को अवॉइड कीजिए, बहुत ही कम यूज़ कीजिए तो आप हेल्दी रहेंगे, कभी भी आपको पेट संबंधी कोई समस्या नहीं होगी फ्रेंड्स। एक बार मेरी ये सारी टिप एंड ट्रिक्स ट्राई करके देखिए और इसे आप ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। एक चीज़ बताना भूल गए थे, जब अप्पे बना रहे थे तो उसमें प्याज डाला था और थोड़ा सा गाजर। तो चलिए अगली किचन टिप्स हैं। हमारे घर में अंबार लगा रहता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं बड़े बड़े जिन्हें हम रोज यूज। फ्रेंड हम सभी के पास पुराने सिरेमिक के कप होते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजर के रूप में हम छोटे छोटे ब्रशेस या अपने छोटे मोटे सामान जैसे फोक हुआ और चम्मच हुआ उसे ऑर्गेनाइज कर लें। ये लिड टूट गया है, इस डिब्बे का कोई यूज़ नहीं था, तो फ्रेंड इसमें हमने बहुत बड़े बड़ी चीज़ों को अरेंज कर दिया है ताकि जिनका यूज़ प्रॉपर नहीं रहता हमारे पास एक्स्ट्रा।